हम आनंद तिवारी शंकराचार्य नेत्रालय पूज्य शंकराचार्य जी महाराज के निर्देशन में यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। इस शंकराचार्य नेत्रालय की स्थापना 2013 में पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के आदेश से उनके प्रिय शिष्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज ने की। जगत गुरु जी महाराज के आदेश से शंकराचार्य नेत्रालय उसका निर्माण हुआ। उसमें 200 रुपये में ऑपरेशन होता है, 200 रुपये में मोतियाबिंद का पूरा ऑपरेशन करते हैं और उसमें 200 रुपये में भोजन भी है, बेड भी है, बिस्तर भी है, चश्मा भी है, पूरा सब। कुछ लोग होते हैं जो पैसा दे करके कराते हैं, वो अलग बात है। वो जो बड़े लोग होते हैं वो हमारा नहीं लेना चाहते, हम फ्री में नहीं कराएंगे, तो वो पैसा दे करके फेको मशीन के द्वारा जो ऑपरेशन होता है वो लोग करवाते हैं, उनके लिए अलग व्यवस्था है। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा प्रकल्प जगत गुरु जी महाराज के आदेश से प्रारंभ हुआ है। अब तक इस शंकराचार्य नेत्रालय में लगभग 65,000 मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए जा चुके हैं और संभवतः 1.5 लाख से अधिक ओपीडी प्राथमिक जांच लोगों की हो चुकी है। और इसमें पहले हमने स्टार्ट किया था मोतियाबिंद के ऑपरेशन को लेकर, फिर जैसे जैसे डॉक्टरों की और मरीजों की डिमांड बढ़ती गई उसको आधार देखते हुए हमने मोतियाबिंद से रेटिना, अक्सूर, पीटिया और भी बहुत सारे आँख के जो रोग हैं उसको भी धीरे धीरे प्रारंभ किया। अभी रिसेंटली 6 महीने पहले हमने रेटिना की एक बड़ी मशीन OCT जिसको बोलते हैं वो पूज्य स्वामी जी ने यहाँ डोनेट की और उसका इनॉग्रेशन कराया। इस शंकराचार्य नेत्रालय में हमारी एक गतिविधि और प्रमुख यह है कि हम आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ से गरीब लोग आ नहीं सकते या जिनके मन में भ्रम है कि हम जाने से हमको ज़्यादा पैसा लगेगा और इस भ्रम के कारण वो घर गांव में रह के ही अपना नुकसान करते रहते हैं, तो हम वहाँ जाके अपना गांव में कैंप लगाते हैं और कैंप लगाकर मरीज को यहाँ लेकर आते हैं, यहाँ उनका निःशुल्क ऑपरेशन करके उनको वापस वहाँ ड्रॉप कर देते हैं। उसमें उनकी मेडिसिन, रहने खाने का जो भी खर्चा उसका कुछ पैसा नहीं लिया जाता, हमारी बस जाती है उनको वहाँ से पिक करती है, यहाँ पे हम ऑपरेशन करते हैं, उनको वापस अगले दिन ड्रॉप कर देते हैं। इसके करीब मेडिकल स्टाफ है और ऑफिशियल स्टाफ सब मिला के 90 लोग का स्टाफ है हमारे यहाँ पे। फैमिली ट्री? यस पापा। कैसा लगा? अरे वाह, ये तो बढ़िया है। अरे ये रोहन अपने परदादा और परदादी के नाम कैसे जानता है, मैंने तो कभी बात नहीं की। पापा ये है ना कुलवृक्ष वेबसाइट। अच्छा, इसमें हमारी फैमिली की सारी इन्फॉर्मेशन है। इसकी हेल्प से तो मैं अपना फैमिली ट्री इजीली बना पाया। अरे वाह, इसमें तो फैमिली मेंबर्स की बायोग्राफी भी लिख सकते हैं। हमारा इतिहास ही हमारी सच्ची विरासत है और इस विरासत को संभालता है कुलवृक्ष।